नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरें इस रिपोर्ट में। हमारी सेना के लिए रत राज सेवा ट्रस्ट द्वारा और ऑल द्वारका फेडरेशन ने SDM ऑफिस में 9 अप्रैल 2021 को शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ये लगभग 8 बजे शुरू हुआ और 2 बजे तक जारी रहा, जिसमें दानदाताओं का एक सतत धारा थी। रक्तदान करने आए सभी पुरुष और महिला बहुत उत्साहित दिखे। सभी को अपने सैनिकों पर बहुत गर्व था। कई लोगों से बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि उन्हें ऐसा मौका फिर कभी अपने जीवन में मिला तो वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ट्रस्ट द्वारा दिल्ली में ब्लड बैंकों के रक्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक दान को बढ़ाने के लिए ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई कमी वाली रक्तदान अभियान की राहत के लिए आज के समय में, जब पूरा देश में कोरोना जैसी गंभीर स्थिति चल रही है और लोग रक्तदान करने के लिए अस्पतालों का दौरा करने में असमर्थ हैं, ये संगठन योगदान देने में इच्छुक आम आदमी तक पहुंच रहे हैं। इस अनमोल अवसर पर मुख्य अतिथि सब डिवीजन मजिस्ट्रेट SHPR गुप्ता, निशा गुप्ता, अजित स्वामी और ऑल इंडिया फेडरेशन इस रक्तदान शिविर में शामिल हुए और हमारे सैनिकों के लिए रक्तदान भी किया। रतनराज सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर को उनके सर्वोत्तम प्रयासों के लिए सफलतापूर्वक किया गया। जो लोग रक्तदान करने आए थे, वह इस महान कार्य को करने के बाद इतने संतुष्ट और खुश थे। उन्होंने कहा कि हमें वास्तव में अपने सैनिकों पर गर्व है और इस बार उनके लिए ARMY के लिए कुछ देने का सुनहरा अवसर है। और ट्रस्ट के सदस्य हर किसी को दिल से धन्यवाद देते हैं जो आए और उनसे जुड़े। जय हिंद। मैं निशा गुप्ता, चेयरपर्सन ऑफ वुमेन जस्टिस कमीशन। आज जो ये रतनराज सेवा ट्रस्ट ने ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन के साथ जो इनिशिएटिव लिया है, आई वुड लाइक टू थैंक। एंड देखो, मैंने भी ब्लड डोनेट किया है। सो एवरी हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड एवरी 3 or 6 months। सो देश के लिए काम आना आज मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आए और ब्लड डोनेट करें। आपकी एक यूनिट किसी की लाइफ सेव कर सकती है। जय हिंद। ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन की सेक्रेटरी गोमती मट्टू अपने देश के सैनिकों को सलाम करती है, जय हिंद का उद्घोष करती है सभी से। और हम बहुत आभारी हैं रतन राज सेवा ट्रस्ट के, जिनके सौजन्य से ये प्रोग्राम हुआ। और बहुत आभारी हैं अपनी अतिथि, मुख्य अतिथि हैं विमेन जस्टिस कमीशन की चेयरपर्सन श्रीमती निशा गुप्ता जी। जी हाँ, आपका कतरा कतरा खून भी एक छोटा सा योगदान इस देश के लिए देशभक्ति ही कहलाएगा। और सबसे हम सबका आभार प्रकट करते हैं। आइए, हमारे सैनिकों के लिए जो दिन रात बॉर्डर पे अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं और अपने परिवार की ना चिंता करते हुए हमारी रक्षा करते हैं, तो उनके लिए सलाम के साथ, जय हिंद के घोष के साथ हम सब इसे अपील करते हैं कि उनके लिए ये छोटा सा योगदान है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति खून दे सकता है, सभी का स्वागत है। तो SDM ऑफिस Sector 10 द्वारका में ये आयोजन हो रहा है, सभी आए। जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एयर कमोडोर JC गोयल हूँ, ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद मैं यहाँ द्वारका में रहता हूँ। आज हमारी फेडरेशन ने एक NGO के साथ मिलकर ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे फौजी भाइयों के लिए है, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए है। इसके लिए हमने आर्मी का जो ब्लड सेंटर है सदर बाज़ार में, वहाँ से एक्सपर्ट्स बुलाए हुए हैं और वो यहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम करवा रहे हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इंकरेजिंग है कि द्वारका के लोग अपने फौजी भाइयों की मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अपना खून देना और किसी की जान के बचाने के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। कैंप अच्छी तरह से चल रहा है, सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी मन से और काफ़ी लगन से काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आगे भी हम ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, जैसे जैसे अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, बट आगे जैसे भी लॉकडाउन खुलता है और लोगों का ज़्यादा मूवमेंट होता है, हम और भी कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और ऐसी वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। सेवा ट्रस्ट से अनूप सिंह, रतनराज सेवा ट्रस्ट का चेयरमैन। मैं सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद बोल रहा हूँ जो हमारी ट्रस्ट में आके भारतीय सेना के लिए रक्तदान किया। और मैं अजीत स्वामी जी का और निशा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ आके एक कदम बढ़ाया और भारतीय सेना के जवानों के लिए देश के खून काम आया। मैं अजीत स्वामी, प्रेसिडेंट ऑल द्वारका रीजन फेडरेशन, बिहाफ ऑफ सभी द्वारका वासियों को
निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आके रक्तदान शिविर में आके रक्त अपना ब्लड डोनेट करें, और ये ब्लड डोनेट आपका आर्मी के लिए डेडिकेट है, ओनली आर्मी को। जय हिंद। मैं नीलम कटारिया ADRF का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया, ताकि हम अपने चलो सैनिक जो हमारे लिए इतना करते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पाए, और आगे भी हम लोग ऐसा करते रहेंगे। और मेरी सबसे अपील है कि जो भी अपने आप को हेल्दी महसूस करे वो ब्लड डोनेट करे। मेरा नाम अबलू कुमार है, मैं द्वारका सेक्टर 3 से रहता हूँ, फ्रॉम बिहार सिवान जिला। ब्लड डोनेट करके कैसा लगा? मुझे डोनेट करके बहुत अच्छा लगा अपने आर्मी भाइयों के लिए, जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ, और इस ब्लड डोनेट करने से मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है, जो अपने भाइयों के लिए मैं अपना ब्लड डोनेट कर रहा हूँ।